Hello, recommend the name of the most beneficial and the most merciful. Assalamu alaikum. I welcome you all to my channel Taleem for Everyone. Okay, जैसे कि आप सबको दिख ही रहा होगा कि मैंने Microsoft Excel जो है ओपन किया है आज भी. So in this video, I will let you know how can we create a pie chart in the form of percentage. हमें पता है कि pie chart जो है basically angle sector की forms में जो है क्रिएट कर सकते हैं, बट पाई चार्ट को जो है हम इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेजेस भी शो कर सकते हैं. सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, पहले तो हम सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है. फॉर्मूला है गिवन वैल्यू परसेंटेज की, मैं बता रही हूँ. अगर परसेंटेज हमने निकालनी किसी भी इंडिविजुअल डेटा की, तो गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ डेटा मल्टीप्लाई बाय 100%. तो ये जो है रिक्वायर्ड परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा. जैसे कि हम लोग एंगल सेक्टर का कैसे फाइंड आउट करते हैं कि गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. फाइन, हम लोग एंगल सेक्टर के लिए इस ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मींस कि 360 से मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंटेज के लिए हम लोग 100% से जो है मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये सिर्फ एक जो सिंपल सा फॉर्मूला है. फाइन, तो अगर पाई चार्ट हमने जो है ड्रॉ करना है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेजेस, तो वो कैसे करते हैं देखते हैं. तो एक मैंने रैंडम सी एग्जांपल ले ली कि ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर डिग्रेड्स अचीव्ड बाय 50 पीपल्स इन देयर एंड ऑफ ईयर एग्जाम. मीन्स के फाइनल एग्जाम में 50 स्टूडेंट्स ने जो जो ग्रेड जो है अचीव किए हैं, उनको हमने प्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट, बट परसेंटेजेस की फॉर्म में. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की, मैंने फ्रीक्वेंसी बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है. जैसे कि कोई भी एक क्लास है ए ग्रेड, हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर ए ग्रेड, ए बी 21, सी 12, डी 5, ई 4. ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो ये देख लेते हैं कि ये वाकई में 50 स्टूडेंट्स हैं या नहीं है. तो इट इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, इस पूरे को मैं सिलेक्ट कर लूंगी, सो इट्स 50. ठीक है, तो मुझे अब परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है, तो परसेंटेज लिखूंगी मैं पहले. ये हम लोग सिंपल मैनुअली भी काम कर सकते हैं, मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ. तो मैनुअली भी हम लोग काम कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है. मैंने फॉर्मूला बता दिया है. सो इट इज इक्वल टू दिस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मींस 50 मल्टीप्लाई बाय 100%. फाइन, 16%. तो इसी को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगी. तो ये आ गए हमारे पास परसेंटेज सबकी. इट इज इक्वल टू, मैं देखूंगी क्योंकि परसेंटेज 100 है, तो ये 100 ही है या नहीं है. तो इट इज इक्वल टू सम, यहाँ से मैंने सबको ऐड कर दूंगी सेलेक्ट करके, तो 100% है बाकी में. ठीक है, तो मैं प्रॉपर तरीके से इसको कर देती हूँ. फाइन, तो ये हो गई परसेंटेज. ठीक है जी, तो अब जब हम लोग करेंगे इस पे पाई चार्ट का वर्किंग, तो हम लोग लेंगे ग्रेड और परसेंटेजेस. ठीक, तो इंसर्ट पे गई, ग्रेड के कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, परसेंटेजेस को किया उसी के साथ, और जो है पाई चार्ट पे गई, पाई चार्ट में गई. ठीक है, मुझे चाहिए परसेंटेजेस वाला, तो हियर इट इज परसेंटेजेस. मींस ग्रेड्स, मैं इसका टाइटल दे देती हूँ, ग्रेड्स अचीव बाय 50 pupils. Okay, here it is. बहुत ही सिंपल सा था ये. ठीक है, अच्छा, अगर आप एक्सेल यूज करें कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल प्रेस करना है, और जो है साथ ही साथ इसको भी सिलेक्ट कर, सिंपल. ठीक है, तो ये था. अगर 3D है आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो 3D में भी कर सकते हैं. सॉरी, अभी कोई सिलेक्शन नहीं हुई हुई थी. 3D में अगर आप करना चाह रहे हैं, तो 3D में भी हो सकता है. हियर इट इज 3D.
और जो भी आप लोग इसको करना चाहे। अच्छा ये सिंपल किया है तो इसकी सिर्फ मैंने जो है ये किया है तो लेआउट फोर पे क्लिक किया है तो सिंपल जो है आपके पास फ्रीक्वेंसीज आ रही है, ठीक है, परसेंटेज नहीं आ रही, यहाँ पे सिर्फ ग्रेड्स आ रहे हैं और यहाँ पे हमारे पे कार्य तौर पर परसेंटेजेस आ रही है, ठीक है। या तो ये इस तरीके से नहीं होगा, इट्स टोटली अप टू यू। ये जो है 3D फॉर्म है, परसेंटेज और ग्रेड्स अच्छी बाय 50 फाइन। तो आई होप सो ये आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल टैलिंग फॉर एवरीवन, और थम्स अप करना नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन ताकि मेरा आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।